अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे स्वेटर्स की हैंगिंग के बारे में। सो जब हम विंटर्स में अपने स्वेटर्स हैंग कर रहे होते हैं तो उसमें अक्सर इस तरह होता है कि इनके जो ये शोल्डर्स की साइड है यहाँ पे बम्प से पड़ जाते हैं, या फिर इनकी जो नेक की साइड है स्ट्रेच आउट हो जाती है, या हैंग करते हुए इस तरह होता है कि जब हम हैंग करें तो इस तरह से कपड़े बाहर निकल आते हैं। सो इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने हम वो 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू हम अपने स्वेटर्स को सही तरह से हैंग करें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड के लिए हमने करना ये कि फ्लैट सरफेस के ऊपर अपने स्वेटर को डाल लेना है, और उसके बाद ये इसका जो मिड सेक्शन है इसको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हुए हमने स्वेटर को हाफ में डिवाइड कर लेना है। इस तरह से स्लीव्स को भी हम आपस में एक दूसरे पर रख लेंगे, जिस तरह के एक सिमेट्रिकल शेप होता है ऐसे बना लेंगे। अब आपने करना ये है कि अपना हैंगर लेके प्लेस कर लेना है ये आर्मपिट वाली साइड पे, हुक इसका जो है यहाँ प्लेस होगा। और अब आप अपना स्लीव लेंगे, दोनों स्लीव मिला के ही लेंगे, और इस तरह से आपने जो हैंगर है इसके थ्रू इसको क्रॉस करा लेना है। सो आप इस तरह से प्लेस कर लें स्लीव को। यही हम दूसरी तरफ भी करेंगे। सो इस तरह से जो रिमेनिंग स्वेटर है उसको लें और इस तरह से प्लेस करें, बट बात वही होगी कि यहाँ पे भी आपने हैंगर के थ्रू क्रॉस कराना है। सो इस तरह से आप रिमेनिंग स्वेटर को भी क्रॉस करा लें हैंगर के थ्रू। अब आप देखें कि ये इस तरह की शेप हो जाएगी। सो सामने से ये इस तरह लग रहा है और पीछे से ये इस तरह लग रहा है। अब आप चाहे इसको जितना मर्जी शेक करें, ये आपका स्वेटर बाहर नहीं आएगा हैंगर से और ये बहुत स्टेबल रहेगा। बढ़ते हैं हम सेकंड मेथड की तरफ। तो इसके लिए फ्लैट सरफेस के ऊपर आप अपना स्वेटर प्लेस कर लें और अपना हैंगर लेके आपने जो वेस्ट की साइड है यहाँ पे इसको प्लेस कर लेना है। अब जितना स्वेटर आपका टॉप की साइड पे है ये आपने पकड़ के यहाँ पे नीचे की तरफ सरका लेना है इस हैंगर के थ्रू। अब आप देखें कि जब आप उठाएंगे तो ये इस तरह से सामने लगेगा, और बैक जब आप मोड़ेंगे तो यहाँ पे आपने अपने स्लीव्स लेने हैं, और ये स्लीव लेके इस तरह से आपने हैंगर के ऊपर प्लेस कर लेना है। यही काम आपने अपने दूसरे स्लीव के साथ भी करना है। सो इस तरह से आप अपना स्लीव लेके इस तरह से हैंगर के ऊपर प्लेस कर लें। बेसिकली ये जो साइड है ये सिक्योर हो जाएगी इस तरह से स्लीव प्लेस करने से। अब आप देखें कि एक तरफ से यूं दिख रहा है स्वेटर और दूसरी तरफ से यूं। अब आप इसको भी जितना मर्जी शेक करें तो आपका स्वेटर यहाँ से हैंगर में से नहीं निकलने लगा। सो ये भी एक अच्छा मेथड है। अब हम अपना थर्ड मेथड देखते हैं। सो इसके लिए फ्लैट सरफेस के ऊपर आपने अगेन अपना स्वेटर रख लेना है, और अब आप स्लीव लेंगे और एक स्लीव पकड़ के आपने ये डायगनली प्लेस करना है। इस तरह से आप डायगनली प्लेस कर लें। दूसरे स्लीव को भी आपने इसी तरह से डायगनली प्लेस करना है। इस तरह से प्लेस करने के बाद आप अपना हैंगर लेंगे और ये जो वेस्ट की साइड है यहाँ पे आपने इसको प्लेस कर लेना है, और ये टॉप से जितना भी स्वेटर है आपका ये आपने ऊपर से नीचे की तरफ सरका लेना है। सो अब आप देखें कि स्वेटर इस तरह से हैंग हुआ है, बैक से इस तरह से है और फ्रंट से इस तरह है। अब आप इसको जितना मर्जी शेक करें ये भी स्टेबल रहेगा, सिक्योर रहेगा। सो ये थे हमारे 3 मेथड्स स्वेटर्स को हैंग करने के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि नेक्स्ट टाइम आप किस तरह की हैंगिंग देखना चाहेंगे। टेक केयर, लव यू, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड विद मी ऑलवेज।